रॉन। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू पैम हेल्थ लाइफ वंस अगेन। कोविड 19 हैज हिट अस फियर्सली एंड हैज कम बैक टू अस वेरी बैडली। आज हमारा देश, पूरा देश कोरोना के प्रति ये जंग लड़ रहा है और बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सब में आज ये डर के साथ काफी सवाल उठ रहे हैं, काफी तरह की परेशानी उठ रही है जिनके सॉल्यूशंस और जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे फैम हेल्थ की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको लगातार इंफॉर्मेशन और हर तरह का सपोर्ट और आप दे पाए और आपको सही मार्गदर्शक दिखा सके, तो मार्गदर्शन दिखा सके। आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे हमें लिखते रहिए हमारी वेबसाइट famhealth.in की सपोर्ट ग्रुप कम्युनिटीज पे और हमारे फेसबुक माय फैम हेल्थ पे। वी वुड आल्सो लाइक टू हम्बली अर्ज यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड इफ यू और योर लव्ड वन हैज बीन अ विक्टिम ऑफ कोविड 19 और हैज बीन बैटलिंग विद दिस डिजीज। We would like you to please come and share your story to help inspire others so that someone can at least benefit out of it. So please keep writing to us and on famhealth.in support community and on my fam health on Facebook. So aaj hamare saath aaj aapke covid se jo bhi hamare halaat bigadte halaat aur din ba din halaat jo badal rahe hain uske जो भी जवाब है उनके लिए आज हम अपने शो में लाए हैं डॉक्टर मोहसिन वली को। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहसिन वली। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू हैव यू हियर। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डॉक्टर मोहसिन वली इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही हैज बीन द फॉर्मर ऑनररी फिजिशियन टू फॉर्मर प्रेसिडेंट्स डॉक्टर आर वेंकटरमन, डॉक्टर दीनदयाल शर्मा एंड डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। So, Dr. Wali, thank you once again for being with us. Dr. Wali, 2021 looks to be very hopeful with the success of vaccines and the development of vaccines which had come up. But why is there an exponential spike in COVID-19 cases in India suddenly? Is it the double mutant strain behind India's second COVID war? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हम बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त हम लोगों का इसके बारे में बात करना जो है बहुत ही उचित है और बहुत ही जिसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट है, इज एप्रोप्रिएट इसके बारे में हमको बात किया जाए। और मैं तो आपकी जो आपने इसको नाम दिया है ना कोविड-19, तो मैं इसको अब नया नाम दे रहा हूँ कोविड-19 2021, क्योंकि इसने हमारे 3 साल खराब करने हैं। और ये जो 21 चल रहा है, हमने सोचा था इसमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये लंबा जो है वो गेम खेलने जा रहा है लोगों के साथ। और जो आपने पूछा कि ये शिद्दत इसकी क्यों बढ़ी है, तो इसकी शिद्दत बढ़ने के कई वजूहात हैं। शुरू में हम लोग देख रहे थे, लोग कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने लापरवाही की। फिर धीरे 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 आपने देखा होगा कि लापरवाही कम हो गई और हमने धीरे धीरे म्यूटेशन की बात शुरू कर दी। ये म्यूटेशन की बात बहुत पहले हो चुकी थी, अक्टूबर में हो चुकी थी और अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके लिए एक जीनोमिक स्टडी का कंसोर्टियम बनाया था जिसको हम इंसाकॉक कहते हैं, और उसके जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि अगर वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो हम उसको आगे चल के इसकी जीनोमिक स्टडीज करते रहें और इसके हिसाब से हम वैक्सीन और दवाओं को प्राप्त करें। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, बहुत अच्छी बात हुई कि इसका संक्रमण कम हो गया और आपको याद होगा कि 400 तक केसेस आने लगे थे एक दिन में और सबको खुशी हुई थी कि अब हमने इस पे कॉन्कर कर लिया है, इस पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये वायरस बहुत चालाक होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस दोनों बहुत चालाक होते हैं और ये जिस हिसाब से हम इनके बारे में सोचते हैं, ये उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस अपनी बॉडी में रखते हैं धोखाधड़ी के लिए। और इस वायरस ने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया, इसने म्यूटेट कर लिया। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले एक वेरिएंट्स आ गए थे अक्टूबर से जो आए थे, उसमें B1.1.67 जो है ये फाइनल म्यूटेशन हुआ इसका। और इसमें आपने सुना होगा कैलिफोर्निया म्यूटेंट आया था एक, और एक अफ्रीकन कंट्रीज से म्यूटेशन हुआ था।
तो दो म्यूटेंट आए थे और अब तीसरा म्यूटेंट भी B1617 के साथ आ रहा है और ये सबसे खतरनाक है। तो ये म्यूटेशन क्या है, मैं आपको बस शॉर्ट में 30 सेकंड में समझा देता हूँ। जैसे मैं अपनी उंगली क्रॉस कर रहा हूँ इस तरह से, ये जी अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका सीक्वेंस होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। हालांकि ये आरएनए का वायरस है तो आरएनए के उसमें एक क्वाइल होती है, तो उस क्वाइल में जब ये अटैच रहते हैं इनका सीक्वेंस बदल देता है ये, तो उससे क्या होता है ये ज़्यादा अटैच करना चाहता है। और ये साइंटिफिकली हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ ज़्यादा दिन रहना चाह रहा है, तो ये अटैच कर लेता है ज़्यादा और ज़्यादा शिद्दत से हमला करता है। और इस बार क्या हो रहा है कि 3-4 दिन के अंदर ही ये लंग्स में घुस जा रहा है। कभी कभी आप ये भी देख रहे होंगे कि लोगों का गले का और नाक का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन वो बीमार हैं, उनको बुखार है, उनको खांसी है और उनका सीटी स्कैन में कोरोना की चेंजेस मिल रही हैं और वो 5वें-6वें दिन आईसीयू में पहुंच जाते हैं। तो ये कोरोना बड़ा भयावह है, बड़ा गैर जिम्मेदारी से इसने काम किया है और हमको डिच किया है इसने और हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर साहब, पर आज की डेट में जो लोगों को हो रहा है कि यू नो टेस्ट करवा रहे हैं बट एक फैमिली में ऐसा हो रहा है कि लोगों को हस्बैंड वाइफ को सिम्टम्स हैं पर हस्बैंड वाइफ टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव आ रहा है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो क्या वो उसको पॉजिटिव ही समझे और कोरोना ट्रीटमेंट ले या दोबारा टेस्टिंग करे? बट दोबारा टेस्टिंग अगेन मींस यू नो ओवरवेलमिंग द टेस्टिंग लैब्स अगेन, यू नो पुटिंग प्रेशर ऑन देम। व्हाट वुड यू से ऑन दैट प्लीज? देखिए, पिछले वाले आउटब्रेक में हमको ना कहीं वेट करना पड़ रहा था और ना हमको कहीं देरी हो रही थी और सब चीज बड़ी स्मूथ चल रही थी। अभी नंबर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, टेस्ट लैब्स पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है नंबर्स का, इसकी जो किट्स आती हैं वो अलग आती हैं और इसकी जो मशीन आती है जिससे हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसीलिए इसको आरटी और पीसीआर टेस्ट कहते हैं, पीसीआर इज ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसकी जो मशीनें हैं उनपे 300 टेस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो एक मशीन 60 लाख की आती है। बहुत बड़ी जो लैब्स हैं उन्होंने कई मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन जो छोटी लैब्स हैं उसमें एक ही मशीन होती है, तो मैक्सिमम दे कैन टेक 300 टेस्ट। अब अगर उनके यहाँ 600 टेस्ट आ गए या 900 टेस्ट आ गए या 1000 टेस्ट आ गए तो आपको रिजल्ट 3 दिन में मिलेगा। तो ये हुआ है। और जो आपने पॉइंट बताया वो बहुत अहम है कि अगर फैमिली में एक बच्चा है उसका पॉजिटिव है और उनकी मदर फादर का पॉजिटिव नहीं है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सबका पॉजिटिव है एक को छोड़ के, तो दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस ये दिखा रहा है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बड़ा शातिर वायरस है, ये हमें चीट कर रहा है और हम चीट हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो इतनी बढ़ गई है, तो आज का बज वर्ड ऑक्सीजन ही है आज सब जगह। अब पेशेंट ये नहीं पूछ रहा है कि बेड है, शाम से पेशेंट से ये पूछना शुरू कर दिया है ऑक्सीजन है हॉस्पिटल में जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कल परसों में एक मुझे लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाए कि कुछ हॉस्पिटल्स ने ऑलरेडी स्टिकर्स लगा दिए हैं कि हमारे ऑक्सीजन नहीं है, प्लीज गो टू सम अदर हॉस्पिटल। तो ये इस तरह की आफत ना आ जाए कि ऑक्सीजन ही कम पड़ जाए। आज शाम की एक छोटी सी खबर भी थी कि कहीं ऑक्सीजन यहाँ रिफिलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कुछ टेंशन हुआ और उन्होंने अपने सेंटर्स को बंद कर दिया। तो ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है, ये डेली की डेली आती है, जैसे हम ब्रेड, दूध, मक्खन, अंडे सुबह को खरीदते हैं ना, ऐसी हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन डेली आती है और हमको पता नहीं होता कि डेली आ रही है। अभी क्या हुआ, चूंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो लिमिटेड है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, फिर भी एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल्स में नहीं है, आम आदमी को कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करिए, और आज दुनिया भर में सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं वेयर टू गेट ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हाउ डू वी डील दिस सिचुएशन, व्हाट डू वी डू? एंड देयर आर केसेस वेयर ड्यू टू यू नो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड एंड नो ऑक्सीजन सप्लाई वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। You know, oxygen is such a common material for every hospital that it is stored also in invisible spaces, which are called manifold rooms.
अब वो मैनिफोल्ड रूम में सिलेंडर्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, वहां से ऑक्सीजन आती रहती है, किसी को नजर भी नहीं आता कि ये लाइफ सेविंग जो चीज है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं कहाँ से आ रही है। तो अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन जो हम एडमिट होते हैं तो हमें एक रिक्वायरमेंट होती है, नाक में कैनुला लगाया जाता है जिसको हम हाई फ्लो नेजल कैथेटर या कैनुला कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कई लीटर 10 या 12 15 लीटर तक पर मिनट के फ्लो से ऑक्सीजन पास होती है। तो जो ये ड्रेन हो जाती है, वो जो हॉस्पिटल के स्टोर में ऑक्सीजन होती है, और वो जब ड्रेन हो जाती है तो इसकी कमी पड़ जाती है, 6 से 12 गुना तक इस पर ओवरलोडिंग है। 30% अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कहें ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हुई है, और उसके रिप्लेनिशमेंट के जो हमारे पास साधन थे तो वो इतने नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि ऑक्सीजन की उन लोगों को रिक्वायरमेंट, उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सके हॉस्पिटल्स के इतनी ऑक्सीजन हमको चाहिएगी, उनका कोटा था फिक्स। जैसे दिल्ली का आपने सुन रहे होंगे कि बाई द इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट एंड प्राइम मिनिस्टर दिल्ली का कोटा बढ़ाया गया। तो एक सांस लेने की जो चीज़ है, जो नेचर ने, अब हमको इसका अंदाजा हो रहा है ना, नेचर ने जो हमको धूप की रोशनी और हवा में ऑक्सीजन दी है उसका कोई बिल नहीं आता, हमें पता भी नहीं चलता हम कितने लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर गए। तो उस ऑक्सीजन की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, हमको वो पता लग रहा है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपने जैसे अभी कहा कि दे हैव लॉस्ट नियर एंड डियर्स, तो वाकई में, और मैं तो कह रहा हूँ कि गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट ना हो आज रात को या कल ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से, नहीं तो जो वहाँ हुआ है नासिक में हादसा आपने देखा कि ऑक्सीजन का वो कनेक्शन डैमेज हो गया और वहाँ से ऑक्सीजन लीक हो गई, और वहाँ कोई इंजीनियर नहीं था जो ऑक्सीजन कंटिन्यू करता सप्लाई, और जस्ट लोगों के हाथ पैर फूल गए देख के, वो धुआं समझे, वो समझे आग लग जाएगी, वो भाग गए और वहाँ वार्ड के अंदर 22 मरीज खत्म हो गए। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और ऐसे हादसे हर मोहल्ले में हर घर में हो रहे हैं। कोविड की वजह से लोग जान दे रहे हैं, छोटे शहरों में पता भी नहीं चल रहा है। इवन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे उनमें सिम्टम्स का पता नहीं लगता। तो मैं यहाँ थोड़े से सिम्टम्स बता देता हूँ, अगर बच्चा दूध डालना जिसको कहते हैं वोमिटिंग करे दूध की, या सुस्त हो जाए, या 100 के करीब बच्चे को बुखार हो जाए, पेट में दर्द हो, पेट में दर्द बच्चा ऐसे बताता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, और लूज मोशन, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है फीवर के साथ लूज मोशन, तो बच्चे को आप कोविड के लिए जरूर टेस्ट करा लें। तो ये सिर्फ बच्चों में या डॉक्टर वाली या सिर्फ या बाकी भी इस तरह के सिम्टम्स जो सेकेंड वेव में आए हैं उसमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं? क्योंकि पिछली बार बहुत ही कम इस तरह से सुना गया था कि लूज मोशन हो रहा है या अपसेट स्टमक है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है, पर इस बार ये भी एक सिम्टम आ रहा है। तो हम अगर और कुछ नहीं, सिर्फ लूज मोशन जैसी अगर हमें प्रॉब्लम है तो भी हम अपना टेस्ट कराएं, और वी शुड वेट फॉर अदर सिम्टम्स टू डेवलप ऑल्सो? जी, बड़ों में वो वाला सिम्टम जो पहली बार भी बाद में आया था, वो टेस्ट का लॉस और कान में भी तकलीफ, स्मेल और टेस्ट कॉमन, और कान में या तो हिसिंग साउंड होना या कान में सुनाई कम देना, ये भी दो बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम ऐड हुए हैं जो पिछली बार बहुत बाद में ऐड हुए थे, ICMR ने बहुत बाद में ऐड किए थे। और बड़ों में भी लूज मोशंस मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनमें लूज मोशंस की शिकायत है। अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक पेशेंट का मैसेज आया कि उनको लूज मोशन शुरू हो गया, उनको मैंने सुबह दवा लिखी थी। तो ये किसी को भी हो सकते हैं, और खांसी, जुकाम, बुखार, और फिर ये 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वायरस, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल बहुत भरे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं, एटलीस्ट लोगों को ये पता हो कि हमारे सिम्टम्स माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, या एक सिवियरिटी पे चले गए हैं जहां हमें वाकई में हॉस्पिटल की जरूरत है। एक आम आदमी कैसे ये पता कर पाए? क्या ऐसे कुछ टेस्ट हैं जैसे कुछ CT में आउट ऑफ 25 एक लेवल चला जाता है तो उसको हम मॉडरेट गिनते हैं? तो आम आदमी जैसे अगर हम टेस्ट कराएं, हमें कैसे मालूम हम हमें मॉडरेट सिम्टम्स हैं और हम एक मॉडरेट स्टेज पे पहुंच गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमको कोरोना हुआ है। उसके लिए ये जानना जब जरूरी हो जाता है कि हमको कोरोना हुआ है, तो पहले तो हिस्ट्री ये होती है कि हम कहीं बाहर भीड़ में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, ये वाला कोरोना ऐसे हो रहा है, और या हम किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट में आए हैं। पहले तो ये था फॉरेन ट्रैवल, क्लोज कॉन्टैक्ट। अब ये है कि हम कहीं भी एक कमरे में बैठ के 4 आदमियों ने अगर चाय पी ली
उसमें से किसी को कोरोना है तो तीन को अलग हो जाएगा, चारों को जाएगा। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जिसकी वजह से अभी आपने सुना होगा कि कोरोना हवा में आ गया है। हवा में आने का मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं, गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो हमारी जो मुंह की हवा है जो लंग्स से आती है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं। पहले ये बताया जाता था कि ड्रॉपलेट्स इसके बड़े बड़े होते हैं, 5 माइक्रोन के होते हैं, तो ये नीचे गिर जाते हैं और नीचे जब सरफेस पे गिरते हैं तो हमारे हाथ के थ्रू वो नाक में, मुंह में और आँख के जरिए से वो संक्रमण करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट वाली बात है, तो जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो नाप के नहीं निकालेगी बॉडी, उसमें छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। और वो हवा में ड्रॉपलेट्स की एक क्वालिटी होती है, वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, कुछ सूख जाएंगे जो बहुत छोटे होंगे, और जो बड़े होंगे 5 माइक्रोन से वो तैरेंगे, और जो मीडियम साइज के होंगे वो और दूर तक चले जाएंगे। तो वो हवा से अगर उसकी रेंज में हम सांस लेंगे तो हमारे सांस के जरिए से बॉडी में चले जाएंगे। अब ये फाइन पॉइंट है, फाइन पॉइंट इसमें ये कि 3 घंटे तक ये ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रहते हैं, ये बहुत बाद में पता लगा। और इस यहाँ तक आने तक जो पिछले साल का एपिसोड था तो उसमें हमको बहुत लेट नवंबर में ये पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है, फिर वो बात आई गई होगी। अब फिर लैंसेट ने इंडिया के रेफरेंस से एक आर्टिकल निकाला है जिसमें बताया है कि आप दूर रहिए क्योंकि आपका संक्रमण हवा से हो सकता है। कोरोना इज एयरबॉर्न, एयरबॉर्न का मतलब ये है कि अगर मैंने खांस दिया है तो ये नहीं है कि 10 दिन तक मेरे रूम की हवा में कोरोना रहेगा, चंद घंटे वो रहेगा। और उस दौरान अगर कोई आकर बैठता है, मेरे साथ एक प्याली चाय पीता है, शेक हैंड करता है, हम लोग भूल गए फिर के शेक हैंड मनाए, तो उससे संक्रमण हो सकता है। तो ये अब आप भी यही कहेंगे कि एयरबॉर्न ही है, आज एयर में ही है, चल रहा है, तो हम क्या प्रिकॉशंस लें मास्क के अलावा? आजकल तो कह रहे डबल मास्किंग की जरूरत पड़ गई, बट ये जो मास्क है हमारा ये सर्जिकल मास्क है और इसके ऊपर से हम N95 मास्क लगाएंगे तो ये डबल मास्किंग हो गई, ये बहुत सेफ्टी का वो है। और अगर हम और आप दोनों आमने सामने बैठे हैं और हम दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो इसका संक्रमण जो है 5% रह जाता है। अगर एक आदमी ने मास्क लगाया हुआ है आमने सामने बैठे हैं तो 30-40% संक्रमण होता है, तो और दोनों ने नहीं लगाया हुआ है तो 95-100% होता है। तो ये मास्क हमारा बहुत अच्छा, मैंने इसको एक एब्रीवेशन को मैंने एक्सपेंड किया है, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है, माय बेस्ट फ्रेंड है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो ये एक सर्जिकल मास्क, इसको सर्जिकल मास्क कहते हैं, आप भी यही रेकमेंड करेंगे सभी को कि सर्जिकल मास्क पहने और N95 या क्लॉथ मास्क को अवॉइड करें। Ideally, when we go out in the open, we should have a better quality. अब सस्ते हो गए N95 mask. और उसमें वो बटन नहीं होना चाहिए, जो छेद वाला वेल होता है, वो basically pollution के लिए बने थे mask. तो वो हमने गलती से पहनने शुरू कर दिए थे, फिर उस पर भी काफ़ी debate हुई थी कि कौन सा mask सही है, कौन सा mask गलत है। तो mask जो है हमारा बेहतरीन दोस्त है, 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मैंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि थोड़ा 2 मीटर से भी ज़्यादा रखिए दूरी, क्योंकि वायरस ज़्यादा पावरफुली चिपक रहा है। और सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, घर का भी और हैंड्स का भी। सो जैसे आप बार बार मास्क होते हैं, सैनिटाइज कंटिन्यू करते रहे। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं बार बार के उनके साथ जो हुआ कि उनको 102 हाई फीवर चढ़ा और पहले 3 दिन में, और डॉक्टर की मेडिकेशन लेने के बावजूद भी फीवर 8-9 दिन तक उतना ही रहा, आता था 101 पर दोबारा 103 102 तक चला जाता था, एंड इट गेव द वाइफ आल्सो द वायरस, बट द डॉक्टर डिड नॉट स्टिल, दो द ऑक्सीजन लेवल्स वर ऑल अंडर कंट्रोल, डॉक्टर डिड नॉट सजेस्ट टू हिम हिम टू विजिट द हॉस्पिटल और गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वेयर इन द पेशेंट सिचुएशन वाज सच दैट ही वाज फीलिंग, यू नो, कंप्लीटली ड्रेनड आउट, फीलिंग अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बट व्हेन दे एक्चुअली वेंट टू द हॉस्पिटल
and started the medication and treatment started, they started to feel better. So is it a concern that are we taking it lightly or we are not getting the right kind of advice somewhere, or what are we missing that, you know, the patient can feel it, but we are not still suggested? Is it because, you know, we only take 1%, which is severe cases, to hospital, and we to secure those for the severe ones, and rest should be home quarantine? But what does a patient in this situation he needs to do? Patient needs to observe fever. देखिए आपने बिल्कुल सही picture describe की है. Patient को जब लगे कि unexplained सी कमजोरी हो रही है, वो fever से पहले weakness आती है. नाक में कुछ इरिटेशन होता है, गला खराब होता है, हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं. पिछले दिनों आपको याद होगा एवरीबॉडी वाज वेरी केयरफुल. थोड़ी सी भी किसी को खराश होती थी गले में या खांसी आ जाती थी तो एकदम डॉक्टर को फोन करता, डॉक्टर कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया. तो ये जो थी ये वाली हैबिट हमने छोड़ दी है, ये वाली हैबिट हमने छोड़ दी है. उसके बाद क्या होता था कि हम डॉक्टर से जाके चेक कराते थे. RT-PCR टेस्ट जो था वो बड़ा कॉमन नहीं था उस वक्त, तो सबको लैब में जगह भी मिल जाती थी, महंगा भी था तो सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, फिर भी करा रहे थे. तीसरा, वो इसके लिए हम उस वक्त बहुत केयरफुल थे और हम हिस्ट्री लेते थे. आपको याद होगा जब लोग एयरपोर्ट पे उतरते थे तो फॉर्म्स भरवाए जाते थे, आप कहाँ कहाँ से होकर आ रहे, और वी वर वेरी सीरियस अबाउट इट. आपको ये भी याद होगा कि इटली से कुछ लोग आए थे और वो फिर हमारे एयरपोर्ट के थ्रू नोएडा में जाके रहे थे और वहाँ 15 लोगों की टोली थी और वहाँ से वो फैल गया था. तो ये चीज़ें हुई थी और उसके बाद एकदम से लॉकडाउन हो गया था. पब्लिक वॉज नॉट अवेयर के लॉकडाउन क्या होता है, सब घर में बैठ गए थे. एंड इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. इवन वंस ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन आई हैड टू गो आउट टू सी ए वेरी जेन्युइन पेशेंट, तो मेरे को भी बहुत डर लग रहा था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ. तो ये हो रहा था. अभी क्या है, लोग लॉकडाउन हैज बिकम ए बैड वर्ड. तो अभी क्या है, लोग जो हैं लॉकडाउन से भी डर रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे, और बहुत कुछ हो रहा है जो मैं आपके फोरम पे नहीं बोलूंगा, विच इज समथिंग नॉट कवर्ड इन मेडिकल, इज पॉलिटिकल, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट. व्हाट आई हैव टू टॉक दैट मेरा लॉकडाउन क्या है, मेरा लॉकडाउन है मैं अपने पैर पे ताला लगाऊं और पैर पे ताला लगा के मैं घर में रहूं. और दूसरा लॉकडाउन ये वाला है जो मैंने अभी बताया, इसमें अब और आंख आप इंक्लूड कर लें, तो आईज भी कवर्ड होनी चाहिए, नोज माउथ, और मेरे पैर घर में रहने चाहिए. आई एम टेलिंग यू इफ वी स्टे एट होम फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज, दिस होल हाइट ऑफ आईफिल टावर वेव, this time you know this wave is not shaped like a dome, it is shaped like Eiffel Tower. Okay, and where will it stop, we don't know, but I pray God yes agle aane wale 4-5-6-7 din mein ye sabhi zyada baratni chahiye, ghar ke andar rehna chahiye jitna zaruri, agar zaruri zyada kaam na ho, aur hamara kitna hum disciplined rehte hain. Aur main 5 hafte ICU mein rehkar aaya hu. I would share with you, मुझे कोरोना हुआ मैं 3-3, 4-4 मास्क लगा के काम कर रहा था पेशेंट्स के बीच में, लेकिन इस मास्क में मैंने ये सोचा और सीखा कि इस मास्क को हमें बार बार उतारना नहीं चाहिए. मैं क्या कर रहा था, मरीज देखते देखते चाय पीते समय इसको बार बार उतार रहा था, तो आई गॉट इन्फेक्टेड. या बहुत से मैं इंटरव्यूज भी दे रहा था. डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू देयर, एक सवाल आ रहा है कि टेस्ट किस तरह की करानी चाहिए? RT-PCR के पहले रैपिड टेस्ट जरूरी है, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो फिर भी RT-PCR कराना जरूरी है, या सिर्फ रैपिड टेस्ट ना करा के RT-PCR ही कराएं? ये मुझे आपको सबसे अच्छा सवाल लगा आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रिपोर्ट कहीं कहीं 3 दिन में आ रही है, कहीं 5 दिन में आ रही है, और हमको ये पता लगाना है कि मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया हूँ, तो हमको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑल्सो, और मुझे उसी समय 10 मिनट में ये पता लग जाएगा कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ. अगर मैं नेगेटिव हूँ उस टेस्ट में तो हो सकता है पॉजिटिव हूँ या ना हूँ, ये दूसरी अलग बात है, लेकिन तो फिर भी वो कराना है, कराना वो फिर भी है RT-PCR. हाँ, अगर हम इसमें पॉजिटिव हैं तो फिर RT-PCR कराना है,
लेकिन हमें पता लगाना है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। जैसे मेरे घर का स्टाफ है, मैंने उनके एक दिन सबके रैपिड एंटीजन टेस्ट करा दिए, नाउ आई एम फीलिंग सेफ, आ जाई है पांचवें दिन रिपोर्ट उन लोगों की आरटीपीसीआर की। तो मैं ब्लड टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट, इट इज टेकन फ्रॉम द नोज, सीक्रेशन का टेस्ट है। हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, और गले से लेते हैं, इस चूंकि वायरस वहां होता है तो हम वायरस को हम उगाते हैं, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो मशीन के अंदर हम इसको डाल के मीडिया में आरएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। जैसे मेरी आवाज अगर माइक्रोफोन में जाएगी एम्पलीफाई होकर तो वो बढ़ जाएगी, इसी तरह से जो इसका आरएनए है हम उसको बढ़ाते भी हैं, उगाते भी हैं और डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो हम इसको डीएनए में कन्वर्ट करके उसको नापते हैं, तो ये देर लगती है इसमें, कम से कम 8 घंटे में रिजल्ट इसका आ सकता है अगर हम बहुत जल्दी करें, और नेक्स्ट डे मिल सकता है। यूके कभी मिले, एक और टेस्ट आ गया है उसको हम बायोफायर टेस्ट कहते हैं। बायोफायर टेस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स में होता है, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में जाता है उसको हॉस्पिटल की आईसीयू ईसीयू में भेजने से पहले करते हैं। एक और टेस्ट आ गया है जिसको हम सलाइवा से करते हैं, तो ये कई तरह के टेस्ट हैं। तो इसमें ब्लड नहीं चाहिए होता है, इसमें हमें बॉडी के सिक्रीशन चाहिए होते हैं, जबकि हमारा एक टेस्ट जो होता है स्ट्रिप टेस्ट जो होता है उसमें हम ब्लड से भी कर सकते हैं और दूसरे टेस्ट में हम सिक्रीशन से भी कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये भी कोई पूछना चाह रहे हैं कि क्वारंटाइन पीरियड कब से गिने, जिस दिन से आपने टेस्ट दिया हो और आप पॉजिटिव हो तो वो टेस्ट के डेट से, या आप क्वारंटाइन को कौन से दिन से लेके चले कि वो अगले 14 दिन आइसोलेशन में रहे। जिस दिन से आपको पहले दिन सिम्टम महसूस हुए करेक्टली तो यही होगा, क्योंकि हम अक्सर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट कराने जाते हैं, तो करेक्ट यही होगा, जिस दिन से सिम्टम शुरू हुए उस दिन से। 10 दिन इज क्वाइट एनफ विद दिस वायरस, 14 दिन हम पहले आइडियली ले रहे थे, अभी भी अगर 14 दिन कोई कर ले तो बहुत अच्छा है, फेयर एनफ, लेकिन मिनिमम 10 डेज, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था ये जब हम इनको ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को, तो 5वें दिन ज्यादातर पेशेंट नेगेटिव हो जाते थे जब उनको हम अप्रोप्रिएट दवा देते थे। Dr. Wali, with this grip, being in the grip of second wave, there is a fear of overwhelming healthcare facilities where people, as you said, not getting oxygen. There is even scarcity of medicines which are being prescribed by doctors in hospitals and we are not getting it. So, सबसे ज़्यादा आप भी जानते होंगे जो हम सब लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि Favi-flu and Favipriva एक मेडिसिन जो इमीडिएट क्योर है कोविड का, उसकी स्कैसिटी हो चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो हमें डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, आज हमें वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इसके बाद अगर आप ये भी बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वाकई में एक क्योर है कोविड का या इसके, व्हाट वुड यू लाइक टू से, लेट्स वी वुड रियली वांट टू नो फ्रॉम यू। देखिए कोरोना की कई दवाएं जो के राइज हैं, जो राइज का मतलब ये होता है प्रेवेलेंट है। आइडियली हम ये कहते हैं कोरोना की कोई दवा नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ परसेंटेज में जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट हैं उन पेशेंट्स के लिए बहुत ध्यान से ये बात सुननी चाहिए लोगों को, आईसीयू का स्टे अगर हमारा 14 या 15 दिन का है उतने सीरियस पेशेंट के लिए, अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको 5 दिन या 4 दिन दे देते हैं, टोटल 6 इंजेक्शन, तो उसका आईसीयू का स्टे जो है वो कम होके 9 दिन या 10 दिन रह जाता है। ये है इसकी कहानी रेमडेसिविर की, और ये सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है, और ये सिर्फ कहना चाहेंगे कि आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं जी हाँ जरूरी है, जी हाँ, वो उतनी सीवियरिटी के पेशेंट्स हैं जिनको हम रिवर्स जल्दी कर सकते हैं, उससे क्या है आईसीयू पे बेड दूसरे पेशेंट को अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है बोलना कि मेरे को इसकी जरूरत है कि नहीं, क्योंकि अगर आप आईसीयू में ना भी हो और आप फिर भी ये इंजेक्शन आपको बोला गया है लगवाने के लिए, बीइंग इन द हॉस्पिटल, व्हाट डू वी डू इन सच अ, बिकॉज यू आर एज एन एक्सपर्ट विल टेल अस, हम लोग नहीं जानते कि ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। देखिए कल एक बयान मेरे दोस्त हैं डॉक्टर त्यान साहब, उन्होंने दिया था ये कोई रामबाण नहीं है, तो
इसमें आज रामबाण बन गया है। हाँ बन गया है, और इसकी ब्लैक मार्केटिंग इसीलिए हो रही है कि एवरीबॉडी इज वांटिंग इट टू स्टोर इन हिज हाउस, के कल को अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास रेमडेसिविर होना चाहिए। एक ये जो शुरू हो गई थी बात, पिछली एपिडेमिक जो था उसमें हाफ ऑफ द एपिडेमिक तो इसी इंतजार में निकल गया था कि रेमडेसिविर आएगा, कोई दवा होती है इस नाम की, इवन डॉक्टर्स डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। बाकी के हाफ में वो डाउनफॉल शुरू हो गया कोरोना का, तो खत्म हो गया। मैं मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैं एडमिट हुआ था 25 नवंबर को, उसी दिन सर्कुलर आया था WHO ISCMR का कि रेमडेसिविर नहीं दिया जाएगा कोरोना के मरीजों को, और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था कि अगर मुझे रेमडेसिविर लग जाएगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो इस डर के बीच में मैं एडमिट हुआ था, तो ये दूसरी बात है मुझे दिया गया कि नहीं, लेकिन प्लाज्मा भी उस वक्त दिया जा रहा था। अब प्लाज्मा के बारे में भी ये आ गया है कि जरूरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमको टाइमली हॉस्पिटल में जाना है अगर हमारा सेचुरेशन 90 से कम हो जाए, ऑक्सीजन लेवल 85 और जल्दी से गिर जाए। अगर हम सीटी स्कैन करा रहे हैं, हमारा डॉक्टर सीटी स्कैन करा के भेज रहा है, तो वेल एंड गुड, हमको पता लग जाएगा कितना लंग इन्वॉल्व हुआ है। सीटी स्कैन की बहुत सी चेंजेस होती हैं, ये पूरा रिसर्च्ड है। सबसे जरूरी ये है कि हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखें, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हम डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें। मैं कभी कभी शंख लेके बैठता हूँ आजकल टेबल पे, ये शंख बजाएं, बांसुरी हो तो बांसुरी बजाएं, कुछ ना हो तो डीप ब्रीदिंग करें, बैलून फुलाएं, और वो तीन बॉल वाला जो रेस्पिसाइजर आता है उससे बॉल्स को ऊपर चढ़ाएं और सक करें। तो ये कोरोना के लिए सबसे अच्छी मेरे नज़दीक एक्सरसाइज है और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हों। पहले ज़माने में लोग साइकिलिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, ताज़ी हवा में सांस लेते थे। हम लोग सारे दिन कमरों में बंद बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, ये मॉडर्न लिविंग के हैजार्ड्स हैं। तो ये क्या हुआ है, हमारे लंग्स भी कमज़ोर हो गए, इसीलिए आप देख रहे होंगे गांवों में लोगों को कम कोरोना हो रहा है और शहर के लोगों को ज्यादा हो रहा है। ये बड़ा डिफरेंस इसलिए है कि हमारे लंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर भी लेट्स कम बैक टू रेमडेसिविर। आप क्या सोचते हैं, रेमडेसिविर इज इट अ वेरी सेफ मेडिसिन? बिकॉज एज यू सेड WHO हैज आल्सो सस्पेंडेड द यूज ऑफ रेमडेसिविर ऑन कोविड पेशेंट्स। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स, आई मीन लीवर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन बहुत जरूरी है। हमको पता होना चाहिए हमारा लीवर फंक्शन आज की डेट में कैसा है और हमारा किडनी फंक्शन कैसा है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा, आई एम नॉट ए कैंडिडेट, वी आर नॉट ए कैंडिडेट फॉर गेटिंग रेमडेसिविर, नंबर वन। नॉर्मल होता है ज्यादातर लोगों में, हम ये मान के चलते हैं। दूसरा, हमको इसको स्लो इन्फ्यूज करना होता है, स्लो देना होता है। और तीसरा, ये हॉस्पिटल सेटअप में या अंडर मेडिकल सुपरविजन देना होता है। ये सब तीन चार सावधानियां हैं। और जो आपका सवाल है उसका जवाब असली है कि शायद मुश्किल से 10% या 7% लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जो मालूम हो एक पेशेंट ने जिसने लिया हो इंजेक्शन और उसको इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स लेटर ऑन हो, तो पहले ही कुछ पता होना चाहिए कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट्स है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। काउंट्स थोड़ा ड्रॉप कर सकती है, जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, ट्रांसमिनेसिस, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, तो ये सब है। बट ये मैं फिर यही कहूंगा ना, ये पेशेंट के जानने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्टर के लिए जानने की जरूरत है। ये सब गड़बड़ हुई है रेमडेसिविर में। आपको मैं बताऊं, रेमडेसिविर की कंपनी बंद पड़ी थी, जिलियट कंपनी, और ये शुरू में इबोला वायरस के लिए यूज हुआ था, और उससे पहले ये ईजाद किया गया था हेपेटाइटिस सी के लिए, जिसमें ये कारगर नहीं साबित हुआ था और बंद कर दिया गया था। तो रेमडेसिविर वॉज इन डिसयूज। अब ये कोरोना महाशय ने आके इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि सब जान गए कि रेमडेसिविर क्या है। शुरू में मुझे याद है, आज हर तरफ से जिससे सुन रहे हैं रेमडेसिविर
ढूंढ रहे हैं, परेशानियां सबकी ये है कि मिल नहीं पा रहा और डॉक्टर सजेस्ट कर चुके हैं तो ना दे तब भी डर, और अगर मिल नहीं पा रहा तो वो दूसरी टेंशन है। हाँ, वो मैंने जैसे कहा ना, इट्स नॉट ए पेनेशिया और इट्स नॉट ए स्पेसिफिक ड्रग, लेकिन वो यही है ना, शायद हमको रेमडेसिविर लग जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। उम्मीद बहुत है हम लोगों में कि शायद रेमडेसिविर लग जाता तो हम बच जाते, शायद प्लाज्मा लग जाता तो बच जाते। तो ये शायद के चक्कर में हम असली जो थीम है कोरोना का वो भूल रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए कोरोना फैल रहा है। आई विल कम बैक अगेन टू दिस। ये है सबसे बड़ा हथियार कोरोना से लड़ने का और कोरोना का मुकाबला करने का। एक बार कोरोना घुस जाएगा तो फिर ना रेमडेसिविर काम करता है ना प्लाज्मा काम करता है, आपकी किस्मत काम करती है। ये बड़ी बात मैंने कही है, यू वी शुड गो फॉर मास्क मास्क मास्क। डॉक्टर साहब, एक कोरोना पेशेंट को बीइंग अंडर द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, किस तरह की डाइट और खाना खाना चाहिए? बिकॉज ये शायद हमें मेडिकली नहीं बताया जाता, बट हमें खुद घर पे ध्यान रखना होता है, तो काफी बार लगता है कि किस तरह का खाना खाएं, विच इज यू नो हेल्दी ऑल्सो एंड यू नो शुड बी सेफ इनफ व्हेन वी आर इन दिस। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं दो भागों में बांट दूंगा सवाल को। पहला भाग है इम्यूनिटी। पिछली बार आपको याद होगा हम इम्यूनिटी की बहुत बात कर रहे थे और आयुष मंत्रालय ने भी कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए थे और बहुत बड़ा प्रचार बाबा रामदेव की दवा का हुआ था। दो दिन तक उसके कुछ खिलाफ आया, बाद में फिर दो दिन तक उसके फेवर में आया, बहुत कुछ हुआ, वो फिर दोबारा वो अपीयर हुई वो दवा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे अच्छी इम्यून बूस्टर है फ्रेश एयर, बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं, जिसमें आता है अश्वगंधा, जिसमें आती है कलौंजी, जिसमें आती है हल्दी, जिसमें आती है थोड़ी सी दालचीनी भी अगर आप मिला लें। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज ही मैंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया इस पे कि लोग इसको 6-6 बार पीने लग गए, जिसको हम काढ़ा कहने लगे थे, 6-6 बार पी रहे हैं कि साहब हम 6 बार पियेंगे तो ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी। इम्यूनिटी तो हमारे अंदर की चीज़ है, उसको हम बूस्ट नहीं कर सकते, ऑगमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इम्यून जो ऑगमेंटेशन करने का तरीका है वो है हम अच्छी नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें और सादा खाना खाएं। लोग पूछते हैं डाइट में क्या खाऊं, नहीं आप सादा खाना खाइए, आपका सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और ऑप्टिमल वर्किंग कैपेसिटी पे रहेगा, कम खाइए। मैं कुछ लोगों को बताता हूं कि इसमें कलौंजी के साथ हनी भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एलमंड है, पिस्टैचू है, अखरोट है, वॉलनट। सो ये चीजें नेचुरल हैं, इनको हम एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में मॉडरेट कंजम्पशन में रखें, नींद पूरी रखें और वाइन अल्कोहल, ज़्यादा चाय, ज़्यादा काढ़ा इसको अवॉइड करें, ये सब चीज़ें टॉक्सिक हैं, स्मोकिंग अवॉइड करें। कोरोना पेशेंट तो वैसे भी अल्कोहल का सेवन तो बहुत दूर की बात है, तो कोरोना पेशेंट को तो भूख ही नहीं लगती है, ये सुना है कि while you are going through this whole disease, you don't feel hungry but you need to eat still and feel healthy, so bhook bhi kam ho jati hai but fir bhi zabardasti khana zaruri hai, aur jaisa aapne kaha ki immunity to strong karni hai to baqaida, to agar na khane ka man ho aisa kya kare, soups piye wo ya kuch aisa healthy khaye jisse at least body mein energy rahe, something with your program, mushroom is antiviral. Plenty of mushrooms if you can afford. It's an expensive item. आपने एक बात कही कि कोरोना के पेशेंट को भूख नहीं लगती। अगर वो कोरोना का पेशेंट स्टीरॉयड लेता है तो उसको भूख काफी लगती है, और स्टीरॉयड इसमें एक ऐसी दवा है, ओनली मेडिसिन जो जिसकी स्टडी है और जो इसमें शत प्रतिशत मदद करती है एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड टू प्रिवेंट दैट सडन डेथ वाला जो सीन होता है इसमें, जिसको हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं, जिसमें एकदम से टॉक्सिन्स लिबरेट होकर ब्लड में आते हैं और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, जो कि कॉज भी है इसमें सडन डेथ का। तो स्टीरॉयड अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको खूब भूख लगेगी। मैं जब हॉस्पिटल से आया था मुझे बहुत भूख लगती थी, आई वॉज इन स्टीरॉयड्स। सो स्टीरॉयड्स वाले पेशेंट को भूख लगेगी, जो सिक पेशेंट हैं बिकॉज ऑफ कोरोना उनको भूख नहीं लगेगी। उनके लिए मैंने बताया कि सूप्स ले और सिंपल डाइट ले, मशरूम का सूप सबसे अच्छा है, सब्जियों के सूप्स ले और नट्स, नट्स के लिए भूख लगाने की जरूरत नहीं है, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, पिस्ता खाएं, तो ये सब सादा खाना खाएं और चाय वगैरह ज्यादा ले लें, उससे हमें गैस्ट्राइटिस होती है
काढ़ा वगैरह ज्यादा ना लें, कोरोना होने के बाद तो बिल्कुल ना लें, तो उसको चूंकि ये प्रिवेंटिव है तो पेट को अपने ठंडा रखें। एक हिंदी का शब्द होता था दावाग्नि, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो पेट को कूल डाउन करें। और हाँ, बिल्कुल ठंडी चीजें, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा ये इससे नुकसान हो सकता है। उसको कोरोना से पहले भी ना लें और कोरोना के बाद भी ना लें। तो गले को हम अपने वार्म रखें और गार्गल्स करें। बहुत जरूरी है कि हम गार्गल्स करें, तो काफी हद तक हम अपने गले को सैनिटाइज रखेंगे, वॉश रहेगा गला, साफ रहेगा, और अगर कोरोना वहां वास कर रहा है तो उसका वहां से हैबिटेट जो है। So, Dr. Saab, the way it is actually now everywhere, even the ones who are yet safe enough are feeling very worried that hum apne liye kya intezam karke rakhe ghar pe ke kal ko aisa kuch aata bhi hai naubat ya situation to hume pata ho ki ye sab cheeze hum leke hum equipped hain. तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह की मेडिसिंस और मल्टीविटामिन्स या ऑक्सीमीटर, ये सब ऐसी क्या किट बना के घर पे रखें ताकि हम सेफ चलें? जहां से मैंने फोन किया था वहीं से शुरू करता हूँ। गार्गिल की किट रखें। गार्गिल में बीटाडीन अवॉइड करें। आई एम मच अगेंस्ट बीटाडीन बिकॉज़ इट बर्न्स। सो जो स्टैंडर्ड गार्गिल के मटेरियल्स हैं, सबसे अच्छा नमक, फिटकरी, लिस्ट्रीन, मैं नाम ले सकता हूँ आपके प्रोग्राम में, नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं प्रोडक्ट का नाम नहीं। और उसके बाद हम दूसरा सोप वाटर जो है वो प्लेटी में रखें। घर में ज्यादातर जगहों पर सैनिटाइजर रखें। आपने किट की बात की, तो किट के लिए वो कर सकते हैं क्या कहते हैं मल्टी विटामिन, और हम साथ में विटामिन सी, खास तौर से विटामिन सी की टेबलेट बहुत अच्छी है, कैल्शियम बहुत अच्छा है, मल्टीविटामिन में भी कॉम्प्लेक्स है, ये सब हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेली हमको लेना चाहिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी प्रूवन है इसके लिए कि ये कोरोना वायरस जो चिपकता है शरीर में उसको रोकता है, तो ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रूवन है, हिफाजत करता है। जनरल एंटीऑक्सीडेंट की कोई भी मल्टीविटामिन प्रिपरेशन आप खा रहे हैं वो रखिए, खास तौर से हम बार बार कह रहे हैं विटामिन सी, विटामिन डी, तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने कुछ पेशेंट्स को क्वर्सिटीन भी एडवाइस की है शुरू में, इट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट, और ये खा सकते हैं वन डे इफ यू कैन अफोर्ड दैट। और सबसे अच्छा ये है कि आपकी नींद के लिए मेलोसेट रखें, अगर नींद कम आती है जिन लोगों को, प्लेंटी ऑफ स्लीप दे शुड हैव। एंड आई वुड से एक नेबुलाइजर भी रख सकते हैं जो कि डेली यूज का है। नेबुलाइजर बहुत अच्छी चीज है घर में रखने के लिए। पेशेंट्स के लिए डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अस्थमा सीजन के हिसाब से आता ही है, बट फिर भी कोरोना पेशेंट्स को इसमें कुछ कुछ को कुछ ज्यादा ही इसके सिम्टम्स लगे हैं और थोड़ा मुश्किल लगा है। आपको लगता है अस्थमा इज आल्सो यू नो इट्स अ लिटिल यू नो समथिंग व्हिच इज मोर रिस्की फॉर अ पेशेंट हु इज अंडरगोइंग दैट? नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बात यहाँ बता दूंगा। जो हमने पेशेंट्स देखे हैं, सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो मोटे लोगों को है, इसमें ओबीस पेशेंट्स, उसके बाद हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स, इम्यूनो सप्रेशन, स्टेरॉइड थेरेपी, ये सब जो चीजें हैं बाद में आती हैं। सबसे ज्यादा इसमें रिस्क जो है वो उन पेशेंट्स को है जो ओवरवेट हैं, और उसके बाद जो है ये सब चीजें आती हैं कैंसर पेशेंट्स आल्सो। समहाउ अस्थमा के पेशेंट्स को कोरोना का अटैक ज्यादा नहीं हो रहा है, ये अजीब बात है, क्योंकि मैं शुरू में ये समझता था कि कोरोना के पेशेंट्स में ज्यादा अस्थमा के पेशेंट्स या यही मिथ हां लोगों को, स्मोकर है वे हाई रिस्क, बट ब्रोंकाइटिस और एस्थमा वाले पेशेंट्स को इतना रिस्क नहीं है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल भी आ रहा है हम इसके बीच में के प्लाज्मा क्या आल्सो इफेक्टिव है? प्लाज्मा थेरेपी वाज वेरी ग्रेट हो, हमने प्लाज्मा बैंक्स भी बनाए थे, तो प्लाज्मा के बारे में अब राय नहीं है, क्योंकि जब ये वायरस ब्लड में जाता है तो ये खुद इम्यूनिटी बनाता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वही हम एंटीबॉडीज बाहर से प्लाज्मा में दे रहे थे, बड़े सिंपली मैं समझा रहा हूँ, तो उसको प्लाज्मा के जरिए लेने का कोई फायदा नहीं है। वंस यू हैव गॉट द वायरस इन योर बॉडी,
सिस्टम विल मेक एंटीबॉडीज. ओके डॉक्टर साहब, कोविड पे एक बार के विक्टिम होने के बाद भी कोविड दोबारा आने का डर है, और कितना डर है और क्या करना चाहिए? एक बात जो है बहुत ज्यादा समझने की है कि कोविड के वैक्सीन के बाद, दोनों डोज के बाद, कोविड एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है, तो ये जरूरी है जानना. और दोबारा जब होगा तो वो पहले से हल्का होगा, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ. वैक्सीन के बाद जो होगा वो बहुत हल्का होगा, पेशेंट हॉस्पिटलाइज के चांसेस होने के कम हो जाएंगे और डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. तो कोविड कैन रीअकर, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. लेकिन ज्यादातर लोगों को इम्यूनिटी डेवलप होगी कोविड के इन्फेक्शन के बाद, और दे शुड बी होपफुल कि हमें दोबारा ना हो, और दोबारा नहीं होगा तो, बट ये कहना सही नहीं है कि दोबारा नहीं होगा. बट कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ लोग कहा जाता है कि अगर आपको एक बार कोविड हुआ तो आपने एंटीबॉडीज बिल्ड कर ली है अंदर, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 6-7 महीने तक एटलीस्ट आप सेफ हैं, बट फिर भी मास्क लगाइए. तो क्या ये सही है कि ठीक है आपने मास्क तो हमें अब हमेशा लगाना, जो इट्स बिकम या अ लाइफस्टाइल, इट्स इन वोग नाउ. जी, जापान कोरिया के लोगों को बहुत कम उन्होंने कोविड हुआ और बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया. इसका रीजन यही है कि दे मास्क, दे बिलीव इन मास्किंग. हम भी जब देखते थे होटल्स वगैरह में, तो कोरिया जापान के लोग आए हुए होते थे, तो हम सोचते थे कि ये मास्क क्यों लगा रखा है इन्होंने, शायद पोल्यूशन से बचने के लिए लगा रखा है. यस पोल्यूशन यस, बट इट्स ए मास्क इज ए प्रोटेक्टिव गियर एंड आई शुड नॉट माइंड वेयरिंग ए मास्क फॉर फ्यूचर ऑल्सो. एंड एज यू सेड इम्यूनिटी रहती है 8 महीने ऑन एन एवरेज, तो 8 महीने बाद, 10 महीने बाद ये हमें सालाना वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, और इट विल बिकम ए रेगुलर फीचर. एंड इन द फ्यूचर वी हैव टू बी ऑन रेगुलर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड. इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट विल बी पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. एंड मैनी चेंजेस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन आवर लिविंग, थिंकिंग, डोमेस्टिक लिविंग, मूविंग आउट एंड हाउ डू वी थिंक. सबसे बड़ी बात जो हमें इस वक्त लास्ट में करनी है वो ये है कि हम डिप्रेशन में ना जाएं, हम अपने को इससे विक्टिम ना समझें इसका, और हम साइकोलॉजिकली अपबीट रहें. तो ये भी कोरोना से लड़ने का एक तरीका है. वो एक जो चिंता आ जाती है कि कोरोना अंदर है तो साइकोलॉजिकली डर रहता है कि लोगों ने शुरू में तो सुसाइड्स करनी शुरू कर दी थी. जब टेस्ट पॉजिटिव आता था तो कुछ यंगस्टर्स ने सुसाइड कर लिया. तो कुछ लोग टेस्ट भी नहीं कराना चाहते, बट आई वुड से कि टेस्ट जरूरी है. अगर आपको हल्के भी सिम्टम्स लगे या एक भी सिम्टम दिखे तो जरूर आप जाके टेस्ट कराइए, और मास्क भी जरूरी है, और मास्क पहनिए. Thank you so much, Dr. Wali. It was a great insight from you and very, very informative session. Thank you once again from all our viewers, and have a great day. Namaskar. Thank you. Thank you very much.